दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर दोस्तों आज जो है फिर से इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की है तो इसी अपडेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें तो आज का जो ये अपडेट है वो आपके स्टेज वन के एग्जाम को जो पास कर चुके हैं यानी कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं स्टेज टू के लिए उनके लिए आया है और ये अपडेट क्या है इसी बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो डिटेल में बताने वाला हूँ तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा तो यहाँ पर क्या बोला है तो देखिए कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज टू रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टेज थ्री सी जी ई पी टी बैच जीरो दो दो हज़ार इक्कीस बैच ठीक है यानी कि अगर मैं आपको सिंपली भाषा में और आसान भाषा में समझाऊँ तो यहाँ पर जो आज इंडियन कोस्ट गार्ड ने नया अपडेट जारी किया है इसमें उन्होंने बताया है कि आप लोगों को जो है स्टेज थ्री से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं क्योंकि आपको जो है स्टेज टू होने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा स्टेज थ्री के लिए और आप लोगों को जो है सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं और अगर आपके पास में स्टेज थ्री तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आप आपको जो है वहां पर बाहर कर दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस से और आपको जो है, जो है, जो है, जो है नहीं मिलेगी ठीक है और साथ ही जो है इन्होंने स्टेज के लिए डेट्स भी जारी कर दी है कि कब आपका जो है स्टेज थ्री होने वाला है तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड आपको सारी चीजें अपडेट के माध्यम से दी जा रही है और इंडियन एयरफोर्स और नेवी की तरह जो है यह भी अभी सारी चीजें ऑनलाइन करवाना शुरू कर दी है इन्होंने ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें होने वाली है तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा पढ़ करके नहीं बताऊंगा तो इन्होंने सिंपली भाषा में अगर बोलूँ तो यही लिखा है कि कोविड की दूसरी लहर की वजह से जो है आपका स्टेज टू होने में देरी हो रही है ठीक है जो कि जल्दी ही आपका करवाया जाएगा लेकिन आपको जो है स्टेज थ्री के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा और देखिए भाई डेट्स इन्होंने बता दी है ठीक है अगस्त इक्कीस देखिए अगस्त में जो है मिड ऑफ अगस्त जो है आपका 21 में 2021 में वो आपका होने वाला है नाविक जेडी के लिए स्टेज थ्री और अक्टूबर मिड जो है वो आपका होने वाला है नाविक डीबी के लिए ठीक है ये चीज़ आपको यहाँ पे बता दी है ठीक है यानी कि आपका जो स्टेज थ्री होगा वो अगस्त में होने वाला है नाविक जी जीडी के लिए और यांत्रिक के लिए और डीबी के लिए जो है अक्टूबर में होने वाला है तो आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पहले से तैयार करने हैं क्योंकि इनमें काफी टाइम लग जाता है ठीक है चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं तो आप लोगों ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना करके रख लेने होंगे ज़्यादा देर आपको इनमें नहीं करनी है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ में लिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए ठीक है पहली चीज़ हो गई उसके बाद में देखिए दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली है तो दूसरी चीज़ बोली है कि थ्री फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डू लाई सेल्फ अटेस्टेड ठीक है यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तीन तीन फोटो आपके पास में होनी चाहिए वो भी सेल्फ अटेस्टेड की हुई होनी चाहिए ठीक है चलिए तीसरी चीज क्या बोली है कि तीस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास में होनी चाहिए जो कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में सबमिट की थी या फिर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी वही वाली फोटो आपके पास में होनी चाहिए ठीक है चलिए उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला है तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि कलर फोटोग्राफ्स ऑफ स्पेसिफिकेशन थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इंटू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर विथ ब्ल्यू बैकग्राउंड ठीक है दस ये आपके पास में अलग से फोटोज होनी चाहिए इसी साइज में होनी चाहिए या आप जो है अपने नियरेस्ट स्टूडियो से बनवा सकते हो तो इसी साइज में जो है आपके पास में दस फोटोज होनी चाहिए और ब्लू बैकग्राउंड के साथ में होनी चाहिए ठीक है चलिए उसके बाद में इन्होंने बोला है कि पेरेंट्स विलिंगनेस सर्टिफिकेट ये जो है आप लोगों के पास में होना चाहिए एक ओरिजिनल और दो इसकी जेरोक्स होनी चाहिए तो ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है उसके बाद में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि पुलिस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए एक ओरिजिनल और दो फोटोकॉपी ठीक है चलिए उसके बाद में फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ये भी आपके पास में एक ओरिजिनल और दो फोटो आपके पास में होनी चाहिए ठीक है उसके बाद में जो है यहाँ पर बोला है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए तो करेक्टर सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर आपको मिलने वाला है ठीक है ये भी आपके पास में एक ओरिजिनल और दो फोटो कॉपीज इसकी आपके पास में होनी चाहिए इसके अलावा विलिंगनेस सर्टिफिकेट फिर से बोला है और उसके बाद में जो है अटेस्टेशन फॉर्म बोला है विथ कैडर नेम ठीक है ये चीज़ भी आपको करवानी है उसके बाद में आपके पास में आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी जो है आपके पास में होनी चाहिए और इनके साथ साथ जीरोक्स कॉपी आपके पास में होनी चाहिए ठीक है और अगर भाई कोई जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके पास में एन भी होनी चाहिए वो भी चार सेल्फ़ अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ और इसके अलावा लास्ट चीज़ जो बोली है वो है फोटो आईडी कार्ड जो कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम में यूज़ में ली थी तो काफ़ी लोगों ने जो है आधार कार्ड यूज़ में लिया होगा काफ़ी लोगों ने पेन कार्ड यूज़ में लिया होगा आपने जो भी यूज़ में लिया है वो आपके पास में होना चाहिए और दोस्तों इन चीज़ों में लापरवाही बिल्कुल भी मत करना ये आप लोगों के करियर का सवाल है स्टेज टू तो जल्दी ही होने वाला है और उसके बाद में जो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा स्टेज थ्री के लिए ठीक है तो आप लोगों को जो है तैयार रहना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनके लिए आप फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करेंगे जैसे कि पेरेंट्स विलिंगनेस सर्टिफिकेट हो गया पुलिस सर्टिफिकेट हो गया फैमिली सर्टिफिकेट हो गया ठीक है तो इसके लिए जो है आप लोगों को लोग यहाँ पर एक लिंक भी दी गई है इस लिंक को भी जो है मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप लोग जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है चलिए मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ कि किस टाइप से जो है आप लोगों को डाउनलोड करना होगा तो लिंक पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस पर आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी ठीक है चलिए मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ एक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड तो देखिए यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ओपन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप ओपन के पे क्लिक करेंगे ये आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा ठीक है और यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है स्टेज थर्ड ठीक है और यहाँ पर जो है आप लोगों को डाउनलोड लिंक देखने को मिल जाएगी तो देखिए वहाँ पर बोला गया था कि पेरेंट्स विलिंगनेस सर्टिफिकेट ये आपके पास में होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया है ठीक है और उसको फॉर्मेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा तो आपको जो है यहाँ पर सिंपली क्लिक करना होगा जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है और उसके बाद में जो है ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ देखिए कुछ इस टाइप का आपको जो है ये देखने को मिलेगा ठीक है आपको जो है ये सारी चीजें फिल करनी होगी और ये तैयार आपको करके डॉक्यूमेंट सारे रख लेने हैं ठीक है इसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है आपके करियर का सवाल है बिल्कुल भी गलती भी आपको नहीं करनी है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें जो है समझ आ गई होगी और आप लोगों को वीडियो जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा यार और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप करेंगे ठीक है और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो टेलीग्राम से पूछ सकते हो इसके अलावा जो है आप लोगों को इंस्टाग्राम आई की भी लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो ठीक है दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों